नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि में 9 दिनों के 9 रंग के जो वस्त्र होते हैं, इस रंग के हम 9 दिन में वस्त्र पहने माता को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि आजकल लोगों के पास कपड़ों की कमी नहीं है, वो सूट हो या साड़ी हो, सबके पास भरा पड़ा है भगवान की दया से। लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए भी नियम बता दूंगी, जिनके पास दो चार दस गिनी चुनी साड़ियां हैं तो वो 9 दिनों में कैसे पहनेंगे तो वो भी बताऊंगी, ठीक है। लेकिन 9 दिनों के 9 रंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा और प्रतिदिन आप लोग इसी प्रकार से पहनकर माता की पूजा कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दिन हम शैलपुत्री माता की पूजा करते हैं। तो पहले दिन हमें पीले रंग की साड़ी, आइए आपको क्लोजअप करके मैं दिखाती हूँ। तो पहले दिन हम पीले रंग की साड़ी आप लोग पहन सकते हैं, पीला नहीं है तो आप ऑरेंज भी इस जगह पे ले सकते हैं, पीला तो मुझे लग रहा है हर आदमी के पास होगा। और दूसरे दिन हम माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करते हैं। तो किस रंग का वस्त्र उस दिन हमें धारण करनी है, हरे रंग का। तो हरा भी सावन में बहुत सारे लोग हरा खरीदे हैं, हरा चुनरी प्रिंट हो तो और भी अच्छा है। तो देखिए मेरे पास नई 1-2 साड़ी थी, वो भी मैं दिखा दे रही हूँ। तो इस प्रकार की आप हरी साड़ी या लाइट हरा हो या जो भी हो, दूसरे दिन आप लोग पहन लीजिएगा ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करने से पहले। और तीसरे दिन हम चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा करते हैं, माता के तीसरे स्वरूप की। तो उस दिन हमें किस रंग का वस्त्र पहनना है, भूरा रंग का। भूरा अगर आपके पास है तो आप लोग पहन सकते हैं। तो देखिए मैं आपको भूरा साड़ी भी दिखा देती हूँ, ये 1-2 साड़ी मैं पहनती थी वीडियो में, लेकिन मेरे पास था तो मैं सोची कि आप लोग को दिखा दूँ इस कलर का। तो देखिए ये भूरा जैसा ही है, पूरा भूरा तो नहीं है, मिक्स एंड मैच है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो 3 दिन के लिए 3 हो गया। तो चौथे दिन हम कुष्मांडा माता की पूजा करेंगे। तो कुष्मांडा स्वरूप की पूजा जो है हम ऑरेंज रंग की, मतलब नारंगी रंग की साड़ी पहनकर हम करेंगे चौथे दिन। तो नारंगी साड़ी भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इस प्रकार की आप लोग नारंगी रंग की साड़ी भी आप लोग पहन सकते हैं। अगर इससे मिलता जुलता रंग भी अगर आप लोग के पास है तो आप लोग पहन सकते हैं। तो और पांचवे दिन हम स्कंद स्वरूप की पूजा करते हैं, माता के स्कंद स्वरूप की। तो स्कंद माता की पूजा हमें सफेद रंग की साड़ी या पीले रंग की आप लोग साड़ी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे पास सफेद साड़ी नहीं है, लेकिन आजकल शौक से लोग सफेद साड़ी दुर्गा पूजा वगैरह में पहनते हैं, लाल पाड़ वाले अच्छे लगते हैं। अगर आप लोग चाहें या क्रीम कलर का साड़ी आप लोग रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है इसलिए सच्चाई बता दे रही हूँ। तो आप लोग उस जगह पे पीला भी पहन सकते हैं या आप चाहें तो सफेद साड़ी भी पहन सकते हैं। तो देखिए 5 दिन के लिए तो मैं बता दी, अब अगला क्या है, माता के छठे स्वरूप की हम पूजा करेंगे, कात्यायनी स्वरूप की। तो कात्यायनी स्वरूप की पूजा करने के लिए हम किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे, लाल या मैरून। लाल तो मुझे लग रहा हर महिला के पास होगा, तो ये लाल साड़ी भी आप लोग पहन सकते हैं। अगर लाल नहीं है तो आप इस जगह पे जो है इस प्रकार के मैरून साड़ी भी आप लोग पहन सकते हैं। तो देखिए काला नहीं है, काला नवरात्रि में आप लोग मत पहनिएगा इस प्रकार का। अगर नेवी ब्लू पाड़ वगैरह है, बॉर्डर वगैरह, तो आप लोग पहन सकते हैं। तो ये दोनों एक ही जगह रख के आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो आप लाल भी पहन सकते हैं या मैरून साड़ी भी पहन सकते हैं माता के छठे स्वरूप की पूजा करने के लिए, कात्यायनी स्वरूप की, ठीक है। और नवरात्रि के 7वें दिन हम माता के काल रात्रि स्वरूप की पूजा करते हैं। तो उस दिन हम किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे, ब्लू या नीला। तो वो तो देखिए आप इस प्रकार की ब्लू साड़ी भी ले सकते हैं। देखिए मैं अपनी नई साड़ियों भी निकाल के आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि जो साड़ी पहनती हूँ वो तो सब आप लोग देख चुके हैं। तो ये रखी थी और इधर उधर से मुझे बहुत साड़ी, मतलब साड़ियाँ मिली भी है, तो सोची कि दिखा दूँ। तो देखिए आप ब्लू साड़ी भी पहन सकते हैं 7वें स्वरूप की पूजा करने के लिए, जैसे माता के काल रात्रि स्वरूप की पूजा करते हैं, जो रात में बहुत सारे लोग निशा पूजा भी करते हैं। तो देखिए उस दिन आप लोग ब्लू साड़ी पहनिएगा। तो ये हो गई हमारी ब्लू साड़ी। और अगर मान लीजिए जिनके पास ब्लू नहीं है वो इस प्रकार के ब्लू भी पहन सकते हैं, ये ब्लू तो नहीं है
स्काई ब्लू है लेकिन ब्लू से मिलता जुलता है, तो ये भी साड़ी आप लोग पहन सकते हैं। तो ये दोनों एक जगह ही मैं रख दे रही हूँ। यहाँ बहुत सारी देखिए साड़ियों का सेल लगा के बैठी हूँ। नवरात्रि के 8वें दिन हम लोग माँ महागौरी स्वरूप की पूजा करेंगे, माता के 8वें स्वरूप की, ठीक है, अष्टमी के दिन। तो 8वें दिन अष्टमी के दिन आप लोग व्रत भी रखिएगा, जो केवल 2 दिनों का रखेंगे उस दिन रखेंगे। तो किस रंग की साड़ी पहननी है, या तो लाल आप पहनिएगा या तो गुलाबी पहनिएगा, ठीक है। माता की पूजा आप लोग गुलाबी या रानी कलर, मतलब गुलाबी में भी कई ऐसे रंग है, आप लोग देख लीजिएगा लाल या गुलाबी आप लोग इस प्रकार की। ये तो थोड़ा ज्यादा लाइट है, आप डार्क भी गुलाबी ले सकते हैं या लाल रंग की साड़ी भी आप लोग लेकर और पहन सकते हैं, मतलब नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी माता की पूजा करने के लिए गौरी स्वरूप की। तो ये हो गया 8वें दिन के लिए। 9वें दिन हम माता सिद्धदात्री की पूजा करते हैं, नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धदात्री माता की पूजा करते हैं, जो हर सिद्धियों को पूर्ण करती हैं, जो भी हमारी मनोकामना है भगवान करे, और जितनी भी मेरी बहनें हैं सबकी मनोकामना हे भगवान हे माता रानी जरूर पूर्ण कीजिएगा। तो हम 9वें दिन माता की पूजा जो है बैगनी रंग की साड़ी पहन के करते हैं। तो आप इस प्रकार का भी एक बैगनी आता है और एक जो है ना वायलेट जिसको कहते हैं, एक और आता है बैगन कलर का, ये तो रेड में आ जाता है, वो भी अगर रहेगा तो आप लोग पहन सकते हैं। तो ये हो गया 9वें दिन के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो 9 दिन के लिए बता दी, और ये दो दो है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कात्यायनी स्वरूप के लिए मैं बताई हूँ या तो मैरून या रेड, और माता काल रात्रि के लिए बताई हूँ ब्लू, और जैसे स्काई ब्लू भी इस प्रकार के ब्लू ले सकते हैं। ये गौरी माता के लिए बताई हूँ, माँ महागौरी के लिए पिंक भी आप लोग ले सकते हैं। और ये जो है वॉयलेट साड़ी हम 9वें दिन पहनेंगे माता सिद्धदात्री की। तो देख लिया आप लोग 9 दिनों के लिए एकदम 9 माता के 9 स्वरूप की पूजा करने के लिए मैं 9 रंग की साड़ियां आपको दिखा दी। अगर आपके पास है तो जरूर पहनिएगा, नहीं है उनके लिए बता दूं तो आप केवल एक लाल चुंदरी रखिएगा या पीली चुंदरी, और क्या कीजिएगा जब पूजा कीजिएगा तो उस समय पहन लीजिएगा, फिर घर के काम काज करने के लिए सोने बैठने के लिए आप जो है बदल दीजिएगा, उसको जूठा मत कीजिएगा, पहनकर कुछ खाइएगा मत, खाइएगा तो फिर वो जूठा हो जाएगी साड़ी। तो इसलिए आप लोग जो है उसी को बार बार पहनकर आरती कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन पूजा करने के तुरंत बाद उसको उतार कर आप लोग रख दीजिएगा, जूठा मत कीजिएगा, तो 2 साड़ी से भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर भगवान ने आपको साड़ी कपड़ा की कमी नहीं है तो इस प्रकार से माता को प्रसन्न करने के लिए इतने रंग की साड़ी भी आप लोग पहनकर, या सूट भी, आप लोग पूछते हैं कि दीदी सूट पहन सकते हैं क्या, मेरी बहनें पूछती हैं कि हमारे पास सूट बहुत अधिक है, कुर्ता बहुत, कुर्तियां बहुत ज्यादा है, तो क्या करें पहन सकते, तो बिल्कुल पहन सकते हैं। सर पे चुनरी वगैरह चुन्नी आप लोग रख लीजिएगा, दुपट्टा वगैरह, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। तो डेली आप लोग बदल बदल कर पहनिएगा, सब तैयारी पहले से ही कर लीजिए, धो के साड़ियों को रख लीजिए 9 दिनों के लिए। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।